नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा कलेक्ट्रेट में पेशी करने आए दो पक्ष आपस में भिड़ गए। वाद विवाद बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को संभाला और दोनों ही पक्षों को समझाइश देकर सिविल लाइन थाने भेज दिया। पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। दरअसल कुछ साल पहले उमेश चंद्र सोनी द्वारा अमहिया स्थित 3,900 स्क्वायर फीट जमीन मुन्ना सिंह से खरीदी गई थी, जिसका बकायदा रजिस्ट्री भी हुई और उस जमीन पर पीड़ित ने दो मंजिला घर भी बनवा लिया। लेकिन जब तीसरे मंजिल का काम शुरू हुआ तो पूर्व जमीन मालिक यानी कि मुन्ना सिंह ने काम को रुकवा दिया। तब पीड़ित द्वारा पूछने पर उन्होंने और रुपयों की मांग की, जिससे पीड़ित ने पैसे देने से मना कर दिया और पीड़ित ने कलेक्टर को शिकायत कर दी। मामला एडीएम न्यायालय में चलने लगा। आज दोनों ही पक्ष कलेक्ट्रेट पेशी करने पहुंचे थे, जहां आमने सामने आते ही दोनों के बीच विवाद हो गया। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराकर सिविल लाइन थाना भेज दिया है, जहां आगे की कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है। अपर कलेक्टर साहब के यहाँ और हम लोग पाँच लोग आए थे घर से, आज पेशी थी। यहाँ आए तो हमारे चाचा जी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गोली मार दी जाएगी। जबरदस्ती प्रशासन उशासन बोल रहे हैं, कुछ नहीं मानते। जबरदस्ती कब्जा दे रहे हैं, इसके द्वारा धमकी दी जा रही है, गोली मारने की। अरशद अब्बासी जी के द्वारा धमकी दी जा रही है हमारे चाचा जी। विवाद क्या है आप लोग? विवाद कुछ नहीं भैया, यहाँ केस चल रहा है। जमीन वो कागज पूरे दिए हुए हैं, यहाँ पे पेशी थी यार, ये आए हैं धमकी दे रहे हैं यहाँ पे। हम कानून वानून को कुछ नहीं मानते, प्रशासन को कुछ नहीं मानते। जमीन का लेन देन, जमीन का पैसे का कुछ लेन देन है, उसके चक्कर में बोल रहे हैं। क्या नाम भैया? सचिन सिंह परिहार। नाम हमारे परनोई साहब की मीटिंग वो पेशी थी, तो हम और आप परनोई साहब हम लोग आए तो एक हंसराज सिंह जी है, जो कि आप एग्रीमेंट किए हुए थे, अब आज तक पैसा नहीं दिए और कहते हैं कि पैसा मांगने जाकर गोली मार दी। आज उन्होंने उल्टा ही केस अपन माननीय अपर कलेक्टर कहाँ लगाया था, तो हम लोग आज पेशी थे। पेशी में हम लोग जब उपस्थित हुए तो वहाँ से वो सीधे पीछे वाले गेट से आए, तो सीधे हमको अब बोले कि हम तुमको तो देख ले, अब तुमको तो हम सीधे गोली मरवाओगे। एक लड़का अभी हमारा गोली मारा है, अब हमको तुमको तो तुम्हार बाली है। अब कल माननीय उच्च न्यायालय की शायद जमानत उसका लड़का है, तो वह व्यापारी आदमी होगा, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। और ये लोग अपराधी किस्म के हैं, पूर्व भी इनके बहुत सारे मुकदमे हैं। गोली मारने की बात कौन कह रहा था? मुन्ना सिंह कहा है, बोला अभी भी उसके कम से कम 3 स्कॉर्पियो बाहर आदमी खड़े हुए हैं। आप घुमा के कैमरा दिखा लीजिए, कम से कम यहाँ पर। और कहाँ जमीन ली थी? जमीन हमारे जो भाई साहब हैं वो लिए थे, और उनका पैसा लेके उन्होंने पैसा ना देने के लिए ये सब उन्होंने एक झूठा मुकदमा यहाँ पे लगा दिया कि उनका पैसा ना देना पड़े। उनकी कोई जमीन थी अमैया में, और उनको हमको हमारे भाई साहब ने बोला कि वहाँ पेशी में चलना है। मैं जाया तो हमको देखते जमीन भी नहीं मिली उन्हें, उनको जमीन भी नहीं मिली साहब। और जो उनका पैसा है वो भी पैसा देना, पैसा सब अनुमान में लिखा हुआ है उनके पीछे लिखा हुआ है पैसा देने के, सिर्फ ये पैसा ना देना हो। और भी उन जिनको ये पूर्व में भी जो रजिस्ट्रिय किए हैं उनको भी कब्जा नहीं दे रहे हैं, पूरा पेमेंट उनसे ले चुके हैं, वो भी बेचारे भटक रहे हैं और उसी जमीन में, हाँ उसी जमीन में सब है वो भी। इसलिए दबाव साहब हम अभी बाहर भी उनके 3-4 ना पुराना मामला है, ये लगभग 2 साल पुराना मामला है। ठीक। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? हमारा नाम अरशद अब्बासी है। पुलिस भी माननीय पुलिस अधीक्षक साहब से मुझे कि इनसे अपराधियों से बचाया नहीं, ये मेरा निश्चित ही मर्डर करवाया मेरे निश्चित, अगर ये 2-3 दिन के अंदर FIR नहीं हुई मेरे निश्चित मर्डर होना है। ठीक। मैंने मुन्ना सिंह जी से अमहिया में 3,952 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी, जो मेरे नाम, मेरे भैया के नाम, मेरी पत्नी के नाम और मेरी भाभी के नाम पर है। हम लोगों ने मुन्ना सिंह जी को पूरा पैसा RTGS के माध्यम से दे दिया। रजिस्ट्री में ये बात का स्पष्ट उल्लेख है, कुछ भी लेना देना शेष नहीं है। रजिस्ट्री होने के बाद हमने अपना नामांतरण करवाया, जो लगभग 3 महीने में हुआ। 25 नवंबर पर रजिस्ट्री हुई थी, जनवरी में नामांतरण हुआ। नामांतरण होने के उपरांत हमने उसी ज़मीन में नगर निगम से अपना नक्शा पास कराया। नक्शा पास कराने के उपरांत हमने वहाँ 1 अप्रैल से काम लगाया, 1 अप्रैल 2023 से, और हमने अपना 2 मंजिल मकान बना लिया। 2 मंजिल मकान बनाने के उपरांत जब तीसरे मंजिल पर हम काम लगाए तो मुन्ना सिंह जी एक दिन आए और ईंट पत्थर मार के हमारे लेबरों को भगा दिया, गाली गलौज देने लगे और अपशब्दों का प्रयोग किया। हम 10 दिन बाद जब जाकर के उनसे मिले कि ये गलत बात है, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा लड़का जेल में है,
जब तक मेरे लड़के की जमानत नहीं हो जाएगी तब तक मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा। ऐसे तैसे करते करते 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद मुन्ना सिंह जी कहना चाहिए पैसे की डिमांड करने लगे कि हमें पैसा चाहिए और हमें पैसा कम मिला है। तो हमने कहा कौन सा कम मिला है, हमारे हाथ का कहीं पे लिखा हो, हमसे कोई पीडीसी चेक लिया हो आपने या अन्य किसी तरह का एविडेंस हो, आप हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए, हमसे पैसा लीजिए। तो वो कहते हैं कि हमारा 2 मुस्लिम लोगों से एग्रीमेंट है आपको ज़मीन देने के पहले, तो उस एग्रीमेंट के बिहाफ पे आप पैसा दीजिए, ये बताइए कहाँ का वो है। यदि मुस्लिम से उन्होंने 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट किया तो क्या वो 1 लाख की ज़मीन दे देते? ये सब गलत बात है, हमें उनको कोई लेन देन नहीं है। हमारा कहना चाहिए ज़मीन है, पूरा पैसा दिया हुआ है। 2 मंजिल बनने के बाद उन्होंने 15 महीने बाद उन्होंने रोक लगाई है। हमारे रजिस्ट्री है, नामांतरण है, नगर निगम से नक्शा पास है, कसरा है, सब कुछ है और पैसे की लालच है। हाँ, ये उनका क्या आउटलुक है, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी तरफ से कुछ भी माननीय मुन्ना सिंह जी को देना शेष नहीं है। पूरा पेमेंट दे चुका हूँ। किस दिन निर्मित हुई थी, क्या कुछ मामला है? ये सूचना मिली थी कि 2 पक्ष उनकी पेशी चल रही है और पेशी के दौरान शायद कुछ विवाद की स्थिति बन रही है, दोनों ही पक्ष एक दूसरे को धमका रहे हैं। इस तरह की सूचना पे और काफ़ी सारी भीड़ है इकट्ठा हो गई है बाहर, सूचना पे मैं अपना स्टाफ को लेकर आई हूँ। विवाद की ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई, सबको शांत कर दिया गया और दोनों ही पक्षों को थाने। एडीएम मैडम क्या पेशी चल रही है उन लोगों की? एडीएम मैडम क्या पेशी चल रही है उन लोगों की? उसके उसमें आए थे तो विवाद की पेशी के दौरान बता रहे थे कि विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी। कहाँ पर पेशी लगी हुई थी? एडीएम का। ठीक।